उतनी चार मेरे यार सारे चैप्टर, झूठ भी सच बना के बोले जैसे एक्टर, टशन में कोई कमी ना, प्यार से बोल कमी ना, सभी है खाली लिफाफे बराती, डायरम जो इन्हें हर बात पे चाहिए पार्टी, सारे फूटे करम दोस्ती की कसम, हिलवा के करा देंगे पंगे, सारे मेरे यार भूखे नंगे, हाँ सारे मेरे यार भूखे नंगे, गो सारे मेरे यार भूखे नंगे, हाँ सारे मेरे यार भूखे नंगे, नीयत साफ पर लपंगे हरकतों से, सारे मेरे यार भूखे नंगे। BTS में सब है क्योंकि हर एक चीज कैप्चर हो रही थी, जितने भी बार वैनिटी में आ रहे, जितने बार बाहर जा रहे, फिर पीछे जितनी मस्ती कर रहे, फिर रील्स बनाने के लिए चले जा रहे, तो फिर डायरेक्टर परेशान हो जा रहे, एक को बुला रहे तो दूसरा चले जा रहा है वीडियोज बनाने, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम डायरेक्टर ने फेस करी। फिर लास्ट दिन डायरेक्टर ने मुझे बोला, तो जब प्रमोशन आया पुलिस के कपड़े में फैसल ने, वो टाइम पे म्यूजिक वीडियो शूट करते साथ ही साथ वो टाइम पे कुछ प्रमोशन वीडियोज बनाना था फैसल को, तो दोनों एक साथ पे सेम टाइम पे फटाफट फैसल ने आधे घंटे में चेंजेस करके उसी टाइम पे उसने जो प्रमोशन वीडियो थी वो भी उड़ाई। अंतिम फनी मोमेंट्स भी बहुत सारे, और गाइस अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा ना, तो फनी मोमेंट्स ना जो हम लोगों के जो इतने सारे उसमें ना, हम लोग ने ना छोटे छोटे मॉन्टेजेस डाले हैं जो है ना बहुत कॉमेडी है, तो अगर आप म्यूजिक वीडियो में देखोगे ना, वो सारे मॉन्टेजेस में ना मतलब हम लोग ने ना इतना इन्जॉय किया है वो सारी चीज़ों का BTS बनाया गाइस। तो आप लोगों को ना जब हम लोग बिहाइंड द सीन डालेंगे ना, लाइव चैनल से ही डालेंगे, बिल्कुल लाइव चैनल से ही डालेंगे, तो गाइस आप लोग देखना, बहुत पसंद करो वो गाना, अपने आप में एक BTS लगता है, जैसे फनी मोमेंट्स को एक साथ कोलाज करके हमने उसे डाल लिया, तो रियली फनी, एकदम नेचुरल वे में शूट किया हमने उसे, और आप सबके पास है सर। मैं बोल सकता हूँ ये कि सारे मेरे यार भूखे नंगे, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स होते हैं, मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर सभी को जो भी है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी को अपना खाने से ज़्यादा अपने फ्रेंड का छीन के खाने में मज़ा आता है, तो उसी को देख के उसी को रिलेट करके भाई ने भूख लिखा है, और गाना आप लोग पसंद। अभी जितने भी म्यूजिक एल्बम सॉन्ग आ रहे हैं उसके रील्स भी काफ़ी मायने रखते हैं, बहुत ट्रेंडिंग होती है, किस तरह के रील्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस? ऑडियंस से तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसी ही है, मगर मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा है कि कभी कभी कोई कोई चीज़ें ना जो मतलब कोई ट्रांजिशन हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, अभी बस ये है कि उसको किस तरीके से हम लोग अपने म्यूजिक वीडियो में ग्लांस करें और लोगों को दिखाएंगे और लोगों को समझ में भी आए, तो बस वो है कि हम कोई अच्छा सा कंटेंट स्टार्ट करें बनाना, और लोग तो है, लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, वो कुछ ना कुछ करते रहते ही हैं, जैसे स्लो मोशन हो गया या कोई ऐसा हो गया कि मतलब आजकल आप देखोगे कि मतलब कोई कॉमेडी वीडियो है और उसमें बाद में एंड में गाना है कोई कॉमेडी, तो ज़्यादा और ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, और बहुत कैची भी लगता है फिर वो वीडियो, तो बस मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह कि लोग बहुत सारे रील्स बनाएं और बहुत सारे लोग इसको रिलेट भी करें, और कमेंट्स वगैरह तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आई है। हमने गाना ही ऐसा बनाया था कि उसके किसी भी पार्ट को आप उठा लो तो एक रील कॉन्टेंट बन गया जाता है, या फिर एक छोटा छोटा कॉन्टेंट कोई भी रिलेट कर सके हर एक लिरिक्स के साथ, और जिसको जो भी लाइन पसंद आए उस पर अपना रील बनाओ, अपने वीडियोज बनाओ, आप रिलेट करो गाने को, प्यार दिखाओ, और उसके बाद तो बस प्यार बना के रखो। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग बनाएंगे अभी और पोस्ट करेंगे अपनी आईडी से, आप लोग अभी तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग आ गए, तो आप लोग भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और हम लोग को शेयर करो, जो भी वीडियोस हम लोग को पसंद आएंगे हम लोग अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पर हम लोग शेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फैजल भाई, जैसा आपने बताया वो इतना लोगों को पसंद आया, लेकिन वो जो चाहत थी उतना बड़ा बने, अब शायद ये इस वीडियो में आप वो बना पा रहे हो, एक तो पहले आपकी दोस्ती जो है यूनिटी वो लोगों को मोटिवेट करती है, दो साल पहले की आप सभी और अभी में बहुत फ़र्क है, लेकिन कैसे अभी भी अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखते हो, कैसे इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाते हो, वो कुछ खुलासा करना चाहोगे? देखो, समय से तो जुड़ा रहना पड़ेगा, हम लोग बहुत नीचे से ऊपर आए, और पास्ट को जो इंसान भूल जाए और तकबूर अगर आ जाता है तो मुंह के बल गिरता है इंसान, तो हम लोग यही अपना पास्ट नहीं बोलते, हम लोग भी बहुत स्ट्रगल करके हम लोग की जर्नी, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे जर्नी बोलेंगे, बहुत मज़ा आया हम लोग की जर्नी में, और उसका फल हम लोग को आज मिल रहा है,
तो ये सब माँ बाप की दुआ और नेकी की वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे हैं, और इंशाल्लाह ऐसी माँ बाप की दुआ और लोगों का प्यार मिलेगा तो हम बहुत आगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो लास्ट म्यूजिक वीडियो था वो हमारा ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब हम जो हिसाब से इसको शूट कर रहे और जो हिसाब से बना रहे कि मतलब उसमें भी कुछ 45-50 मिलियन व्यूज आएंगे, तो माशाल्लाह उसमें भी इतने अच्छे व्यू गए। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये सॉन्ग से भी है, क्योंकि उस वक्त की जर्नी और इस वक्त की जर्नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जैसे कि आपने कहा, ये सच बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने अंदर भी बदलाव लाया है, खुद को लेके, खुद के एक्ट को लेके, खुद के बॉडी लाइन को लेके, खुद की स्टाइलिंग को लेके, तो आप देख ही सकते हो कि मतलब कितने सारे जो चेंजेस हैं वो सिर्फ लोगों के प्यार और सपोर्ट से है जो आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं, और उन्होंने हमको बदला है। इंशाल्लाह और भी ऐसे कंटेंट है जो हम लाना चाहेंगे लोगों के सामने वक्त आने। थैंक यू। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं सॉन्ग को लेकर, और लोगों का इतना प्यार आ रहा है कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या ही बोलूँ, इतने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक है। ऐसा लग रहा है कि मतलब लास्ट टाइम हम लोग ने 2 साल पहले किए थे खीर सॉन्ग, अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। 2 साल बाद एक साथ एक बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे, और जितने भी बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और आखिरकार ये जो गाना है और मंथ एंड में आया है जब पार्टी सीजन है, पार्टी सॉन्ग है, तो अब यही अगर लोगों का ऐसे इसी तरीके से प्यार मिल रहा तो हर क्लब में अभी 30% तक यही गाना होगा। लंबा वक्त इसलिए लिए क्योंकि हम लोग ने बहुत लंबा वक्त ले लिए थे कुछ ऐसे गाने के लिए, तो अब हमको इतने टाइम बाद इतना अच्छा गाना मिला है, तो उसके लिए बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो देखो इंशाल्लाह बहुत मीठा रहेगा क्योंकि गाना बहुत ज़्यादा कैची है और लोग इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे। और गाइस मैं बोलूँगा कि ये गाना ऐसा है कि मतलब आप लोग बहुत रिलेट करोगे इस गाने को, सारे मेरे यार भूखे लंगे, और एक एक जो उसकी लाइन है ना, मतलब सारे जो लोग हैं और जो मतलब यंगस्टर्स है, जो हम उम्र के लड़के उनमें वो बात होती ही है, यार मेरे सारे भूखे नंगे, तो बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। और बहुत सारी रील्स बना रहा गाइस, मैं आप लोग से यही कहूँगा, और हम लोग भी बहुत सारी रील्स बनाएंगे। लिरिक्स तो बहुत ही कैची है और जो सॉन्ग का नाम है वो भी बहुत ही ज़्यादा कैची है। सॉन्ग का नाम ये किसने डिसाइड किया था? ये महेश सर है जो वीआईपी के वन ऑफ द ओनर है, उन्होंने अभिनव भाई जो सिंगर है वो बोल रहे थे कि क्या लिखूं मैं अभी किस टॉपिक सो ये हमारे सिंगर बैठो तो ये पूछ रहे थे कि किस टॉपिक पे लिखूं, तो महेश सर ने जवाब दिया कि ये मेरे सारे यार भूखे रंगे इन लोग पे कुछ लिख दे, तो ऐसा इस तरीके से हुक तैयार हुआ और फिर अभिनव भाई ने उस पर अपना थोड़ा कारीगिरी दिखाया और हमारा गाना रेडी हो गया। यार दोस्तों के ऊपर तो ऐसे भी लाइक गाने बनते रहते हैं, हमें एक ऐसा एंथम बनाना था जो कि सालों साल लोग याद करें, क्योंकि शोले में आ चुका है वो गाना और उसके बाद बहुत सारे गाने बने दोस्तों के ऊपर, पर कुछ अलग करना था हमें, थोड़ा कॉकी भी करना था, दोस्तों के मज़े भी लेने थे और दिखाना भी था कि भाई कितना अहम है दोस्ती, एक ऐसी चीज़ है, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद चुनते हैं, ऊपर वाला नहीं देता, तो हमने अगर खुद बनाया है तो कितने खास है और हमारे हर ज़रूरतों के समय वो मदद के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बाद पूरी टीम मिल गई मेरे को 307 और भाई लोग, मतलब कि मेरे को नहीं लगा 8 team 07 खैर वो तो भाई का नाम है, बट वो 5 लोग थे, मैं छठा आया और 6 लोगों की एक कहते हैं लिमोजीन बन के तैयार हुई, और उसका नतीजा आप सबों के सामने है और रिजल्ट है, और गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है, आप लोगों की दुआ है और ऐसे ही चलता रहे, आप लोग प्यार बनाए रहे। सो टीम 07 की जो दोस्ती है वो तो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और वीडियो में जिस तरह से दोस्ती दिख रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लोग, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी दोस्ती को लेकर आप लोग? दोस्ती तो बहुत पुरानी है और पूरे ट्रांसपेरेंट है हम लोग,
पूरी तरीके से लोग जानते हैं हम लोग को, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और हमारे बहुत सारे फैन पेजेस हैं जो हमारे के नाम से, और हम लोग ज़्यादा करके सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपडेट है कि मतलब हमारी जो पूरी दोस्ती है वो हम लोग भी अपने में कुछ छुपा के नहीं रखते, वो पूरी सोशल मीडिया पे अपडेट करते ही रहते हैं। और जो कि लोगों का जो इतना प्यार बरकरार है, मतलब 2 साल पहले हम लोगों ने एक गाना किया था, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू आया उसको भी और बहुत पसंद आया लोगों को। इतने वक्त बाद भी हम लोग ने मतलब ये सॉन्ग किए, तो जो वो टाइम पे वाइब थी हम लोगों की जब हम लोग म्यूज़िक वीडियो कर रहे थे वो टाइम पे, हालांकि वो टाइम ऐसा था कि मतलब बड़ा बजट नहीं था और हम लोग का मतलब इतना हिसाब किताब नहीं था कि कोई अच्छा सा एक बजट सेट करके एक अच्छा वीडियो शूट कर सके। मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह गाना भी बहुत अच्छा है, ग्रैंड है और खुद का गाना है हमारा, और प्लस इतना अच्छा म्यूज़िक वीडियो उस पर शूट हुआ है, तो मतलब और आप देख सकते हो उसमें कि बहुत सारे हम लोग ने ऐसे ऐसे कॉन्टेंट डाले हैं उसमें जो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि मतलब अक्सर दोस्ती में ऐसा हो ही जाता है, तो वो सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसके बहुत अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं और मतलब कॉमेंट देख के तो मज़ा आ रही है, बस ऐसे लोगों का प्यार बरकरार है। बहुत सारे फनी शूटिंग करते हुए किस तरह का एनवायरनमेंट है ये जाना चाहिए। इतना अच्छा इन्वायरमेंट था कि हम लोगों को सच में पता ही नहीं चला कि हम लोगों का शूट कब हो गया है 2 दिन में, और हंसी मजाक करते हुए खेलते खेलते इतना अच्छा शूट हुआ हम लोगों का कि मतलब क्या ही बताओ। आप शूट करते हुए कुछ प्रैंक किया है दूसरे के साथ? प्रैंक तो नहीं किया, पर जो शूट करता है अभी हंसी खेलते शूट तो हो गया, पर जो सेट पे डायरेक्टर रहते हैं आप लोग ये क्वेश्चन अगर उनसे करते तो समझ में आता था, क्योंकि यहाँ पे तो फैसल ने बोल दिया है, पर टीम के सर जब 5-6 जन एक साथ रहते तो सबको एक साथ गैदर करना, फिर एक साथ कोऑर्डिनेट कराना, ये बहुत सबसे बड़ा टास्क है। तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर परेशान हो जाते जब 5-6 जन एक साथ रहते तो हैंडल करना, तो पर 2 दिन था, 2 दिन में हम लोग ने हंसते खेलते कर दिया कैसे भी। उसी के बीच में हम लोग अपने फोटोज़ वीडियोज़ भी बनाए, रील्स वगैरह शूट किए, फोटोज़ भी क्लिक किए और साथ ही साथ म्यूज़िक वीडियो भी कम्प्लीट कर दिया। बुरी बात तो मैं नहीं बताऊंगा, अच्छी बात ये है कि हम लोग बहुत टाइम से साथ में हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे साथ में। बुरी बात तो ये है कि टाइम पे कोई नहीं होता है, सब आगे पीछे होते हैं, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है कि मतलब मैं हमेशा टाइम पे रहता हूँ। हाँ, डांस टाइम पे है और कभी कभी फेस भी हो जाता है, हंसने से शायद थोड़ा कम एक्सपेक्ट करते हो, और सत्तू 07 भी है, तो मतलब ऐसे ही है, हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके आते रहते हैं, तो ये बुरी बात है हमारी। और अच्छी बात ये है कि हम लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर मतलब एक बहुत अच्छी यूनिटी है, जो हम लोग के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि हम लोग तकरीबन 5-6 साल 7 साल से एक दूसरे को जानते आ रहे हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई या नोकझोंक नहीं हुई जो हमें बाहर लोगों को बताना पड़े या हम अपने तरफ से कुछ आउट करें या फिर इसने मुझे कुछ बोला या उसने कुछ मुझे बोला, ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों में, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, तो बस ये लोगों का प्यार है जो हम पे बरकरार है, बस आप लोग ऐसे प्यार करते रहो, हम लोग एक यूनिटी होकर और अच्छी ढेर सारी चीज़ें लाते रहें। सो रेनू डिसूजा सर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से उनके साथ काम करके ये फोटो मिलती है ठीक है, तीनों हाँ थैंक यू।